तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, अम्मा मैंने लड़का पसंद कर लिया है। अरे उसकी तो गाड़ी देखते ही मुझे पसंद आ गया था वो। अरे गाड़ी से लड़के का मालूम होता है, मोटरसाइकिल से थोड़ी। साइकिल को मोटर लगा दो तो मोटरसाइकिल बन जाती है। गाड़ी वो भी महंगी वाली। ये रही उसकी तस्वीर। तू मुझे गाड़ी की तस्वीर दिखा रहा है, लड़के की तस्वीर दिखा। है तो प्यारा। जेडी तो कंजूस है, इसने 20,000 रुपए दिए। अम्मा तूने सब पैसे भी ले लिए। अरे मुझे नहीं अम्मा, चौकीदार की बेटी को शादी के लिए। अरे खुले दिल का है, जेडी तो कंजूस है। आज ही अब्बा से बात करता हूँ, बड़ा ही अमीर लड़का है अम्मा। पहले मुझे हीर से तो बात कर लेने दे। अफलातून को क्यों भेजा था यूनिवर्सिटी? उसको लड़का बड़ा पसंद आ गया है। और मुझे तो उसकी गाड़ी भी बहुत पसंद आई। गाड़ी? चश्मा तेरे पास गाड़ी कब आई? अफलातून कह रहा था बहुत बड़ी गाड़ी पे आता है। अच्छा गाड़ी, हाँ हाँ यूनिवर्सिटी बस में आता है। उसने तो चौकीदार की बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए दिए। उसने तो आज तक कैंटीन की चाय के पैसे नहीं दिए, शादी के क्या दिए होंगे? तुम्हारे साथ तो जज भी रहा था। अपना तुम तस्वीर दिखाना। शर्म आ गई है। कितना लड़ोगे? अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी और दामाद आए। ठीक हो? कैसे हो बेटा? अब याद आ गया दामाद आपको? रिश्ते पसंद हो गए। उस वक्त दामाद याद नहीं आया आपको? यार बंदा मशवरा ही कर लेता, कदर ही कोई नहीं है। हमने कौन सा गलत मशवरा दे देना था आपको? कदर ही कोई नहीं, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं यार। नजर हुआ क्या? क्या हो? वो अम्मी अफलातून ने फोन पे बता दिया कि रिश्ते वाले देखने आए थे, बस वहीं पूरी बात खराब हो गई। नाराज लोग दमादों से पहले पूछते, यहाँ पूछता ही कोई नहीं। कदर ही कोई नहीं, इज्जत ही कोई नहीं मेरी यहाँ पे। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ यार, बाहर चार बंदे जानते हैं मुझे। इनको तो चार जिंदा बंदे भी नहीं जानते। खैर अम्मी क्या हाल है, कितने दिन हो गए, इतना याद कर रही थी ना मैं आपको। मैं ज्यादा याद कर रही थी। तुम टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो, एक तो जब मैं लड़ाई के मूड में होता हूँ तुम टॉपिक बदल लेती हो। अरे दामाद जी लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इसी बात की है कि मैं दामाद हूँ, रिश्ते कर रहे हैं तो छुपा क्यों रहे हैं मुझसे? वो अफलातून, अफलातून तेरे नीचे आ, मेहमान आए हैं। आरो अब्बा इधर आओ, जल्दी आओ। अम्मी अम्मी अम्मी
अफलातून, क्या हाल है बाजी? फिट फाट मजे में तुम? और नजर भाई, आप कैसे हैं? मेरे तो नजदीक भी मत आओ, घर में शादियां हो रही हैं यार, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा यार। आफ्टर ऑल मैं तमाद हूं यार, मेरी कोई इज्जत है? अफलातून, तू नजर के लिए कुछ पीने को लेके आ। अब्बे ने नया शरबत बनाया है, बोलाता हूँ। शरबत? मैं बीमार हूँ, शरबत क्यों पिला रहे हो मुझे? नया शरबत बनाया है बेटा, मैं दमाद हूँ। लोगों के घर दमाद आते हैं ना, वो बाहर से बोतल लेके आते हैं, रोज लेके आते हैं, और तुम मुझे शरबत पिला रहे हो। हाथ धो गई यार, आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। अब बस भी कीजिए ना। कोई नहीं कोई नहीं, अफलातून तू नजर के लिए बाहर से जाके कुछ अच्छी सी चीज खाने को ला। सिर्फ कुछ नहीं मंगाना, बहुत कुछ ले गया। कुछ ठीक है फिर, बहुत कुछ लेकर आता हूँ। भाई साहब पैसे? जाके हकीम साहब से ले और कह के दमाद जी आए। चल जा। हद हो गई यार, मतलब मुझसे पैसे मांग रहा है मेरी मेहमान नवाजी के? यार हद हो गई, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में यार। कोई पूछता ही नहीं, कोई मुंह नहीं लगा रहा, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहा है यार। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ यार। आप ही हो दमाद। हद हो गई यार, लो ना तो कोई बारात में कोई मुंह दिखाई में कुछ हमें मिला नहीं यार, उसके बाद भी मुझसे पैसे मांग रहे, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा। आपके लिए पानी, पानी लाओ। क्या हुआ रोमियो? ब्लड दिया था, चक्कर आ गए थे। खून क्यों दिया था? ये कोई सवाल होता है क्या, खून क्यों दिया था? सच में मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैं तो आलू वाले ऑर्डर करूंगी। मैं कीमे वाले करूंगा। ओए रुक, वो देख बबल। ओए वो रोमी को सब कुछ बता रही है, चश्मा तू चल। झूठ बोल रही है। ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना मेरे घर वाले तुम्हें पसंद करते, ना मेरे घर में तुम्हारे को रिश्ते की बात चल रही है। ओके, मेरे बारे में सोचा भी मत, बहुत बुरे लगते हो तुम मुझे। मैं हीरो कोई मजाक नहीं हूँ, साइको है ये। क्या कह रही हो तुम? इधर आओ। उसकी तबीयत खराब थी, तबीयत का पूछ रही थी मैं। ओ हेलो, पहले की जो भी बात बोल रही ना उन सब पे डिलीट मारो, मैं मजाक कर रही थी, मजाक की आदत है मुझे। हालांकि मेरा तुम्हारा कोई मजाक है नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनो, ये मेरा ब्लड डोनेट करने के लिए तुमने नाम लिखवाया था ना, अपने खून के एक कतरे का बदला लूंगा मैं तुमसे। बंदा भी है वैसे। आओ नारा लगाते हैं, सालेमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, सालेमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। अच्छा सालेमो, बेबी को चक्कर आ रहे। ओह हेलो बेगम, कैसी हैं? हेलो जी जी, कल के मॉर्निंग शो में? जी जी, और किसको बुला रहे हैं साथ में? ओह अभी फाइनल कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड करें। जी प्रोफेसर राजा साहब, कोई काम है आपको? जी नहीं, आपके आने का टाइम, मेरे जाने का टाइम, और मैं ये तुम्हें। जी और क्या होगा मॉर्निंग शो में? डॉक्टर की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, प्रैक्टिस ना चले तो टेंशन, और अगर चल जाए तो और टेंशन, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हेलो लुकमान की तरफ से आपके लिए खास। ये हकीम लुकमान कौन है? जी वो मैं। जी ये मेरे दवाखाने की तैयार शुदा क्रीम है, 15 दिन में निखार ना आए तो क्रीम तब्दील कर ले। ना जी ना, तब्दील क्यों करें?
अगर 15 दिन में निखार ना आए तो पैसे वापस? नहीं नहीं क्यों वापस? ये इसके ऊपर लिखा हुआ डिब्बे के ऊपर, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। अब एक्सक्यूज मी, अगर 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद निखार ना आए तो फिर क्या करें? तो इस्तेमाल करते रहिए, बड़ी अच्छी क्रीम है। हाँ, ये मैंने उस वक्त बनाई थी जब मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था कहीं। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद रिश्ता तय हो गया। ओके, तो ये क्रीम रिश्ता कराने वाली मासी है। आई एम सॉरी, मैं समझी, ये रंग गोरे करने वाली क्रीम है। ये ब्यूटी क्रीम है, आप जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपको इसकी शदीद जरूरत है। ये तो हुकूमत से मंजूर शुदा भी नहीं है, फ्रॉड हैं आप। आवाम से तो मंजूर शुदा है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आवाम ने। आप कहां से क्वालिफाइड हैं? आपको ये सब कहने का किसने इख्तियार दिया है? किस किस्म के जाहिल लोगों को आप इनवाइट कर लेती हैं मॉर्निंग शो में? जाहिल तो आप हैं जो उल्टी सीधी सर्जरियां करके चेहरे खराब करती हैं। और आप नेक हैं, इलाज के नाम पे बीमारी हैं, आप बीमारी हैं। वेट वेट वेट, लेट मी स्टार्ट द शो। आप उसके बाद जितनी चाहे लड़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? बंद कर यार, 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, ये डॉक्टर और हकीम साहब को बिस्त पे बिस्त किए जा रही है। मैं अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा? After all, the mahatun है। तो डॉक्टर इतनी बदतमीज है, इसमें मेरे अब्बा जी का क्या कसूर? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो टीवी तुम्हारे लिए देख रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं हर 4 घंटे बाद चाय पीता हूँ। 4.5 घंटे हो गए, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। हाथ धो गया। तो नाराज क्यों हो रहे हैं दामाद जी? अफलातून गया ना जलेबियां लेने, तो उसको चाय बना दे यार। अब नहीं पीनी मैंने चाय। ठीक है, नहीं पीनी तो नहीं बनाती। मेहमान तो कह ही देता है कि चाय नहीं पी, घर वालों को अकल होनी चाहिए। घर में कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। तो बाहर कौन सी है? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ ना। अरे देखिए अफलातून आ गया जलेबियां लेने। जलेबियां? ये जलेबियां ना फिर प्लेट में लगा के और वो चाय के साथ ही ले आना, मैं इधर डाइनिंग टेबल पे हूँ। शाबाश अफलातून, आई लव यू। बहुत अच्छा आदमी है तू अफलातून। आदि हो गई जलेबियां। अरे अब्बा, ये शो वालों ने किस बदतमीज डॉक्टर को बुला दिया था? उस डॉक्टर ने तो आपकी टके की इज्जत नहीं की, सारे इलाके में बेइज्जती हो गई मेरी। उठा लो ये सब यहां से, कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। एक तो इस घर में जलेबियां और चाय ठंडी मिलती है, बोतल और कुल्फी गर्म, इज्जत ही कोई नहीं मेरी। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं यार, हाथ धोती है। फोन किसका आ गया? हेलो। हाँ, टीवी वाले जान बूझ के एक दूसरे के मुखालिफ लोग बुलाते हैं ताकि लड़ाई हो और उनकी रेटिंग आए, मेहमानों का चाहे रायता बन जाए। अब आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं दे देना। Oh my God! Anna. Hello, Shanse. Hello, Auntie. कैसी हैं आप? कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, good. रोमियो तो उसी दिन मुस्कुराता है जिस दिन तुम आती हो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मामा शांजे है ही ऐसी ना, इसको जो देखता है उसकी हंसी निकल जाती है। देखा आंटी आपने, देखा कितना मीन है ये रोमियो। बेटा इस पे ना तुम्हारी पनिशमेंट बनती है। मेरी बात सुनो, मैं अभी पनिशमेंट पूरी करके आ रहा हूँ, इसको डिनर कराया मैंने। ये बताओ हेल्थ सेक्रेटरी बेग साहब कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक, फाइन। जस्ट अ सेकंड, पापा का ही कॉल है। हेलो पापा,
जी जी मैं रोमियो के ही घर पे हूँ। हाँ आप यही गाड़ी भेज दीजिए। गाड़ी की क्या जरूरत है, रोमियो छोड़ाएगा। परफेक्ट, गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रोमियो छोड़ देगा। जरा पापा से बात कराना। हाँ श्योर श्योर, एक सेकेंड पापा आप आंटी से बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो जी सेक्रेटरी साहब, ये जरा हकीम और अताई के खिलाफ क्रैकडाउन तो करवा देना, इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। जो मर्जी दवा बना के उसमें जो मर्जी डाल के बेचने लगते हैं। हाँ ब्यूटी क्रीम्स, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, हाँ ओके बाय। तुम्हारी फैमिली पूरी पागल, इंक्लूडिंग यू। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है मेरा, खून देने से ऐसा होता है क्या? तुमने खून दिया है, दिमाग नहीं। पढ़ो। कौन है तुम? मैं फरियाल हूँ। फरियाल? फरियाल और बुरके में हो ही नहीं सकता, कौन है तुम? वो एक नालायक ने मेरे लिप्स पर बुटक्स लगाया और मेरे होंठ टेढ़े हो गए, मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही। तुम दोनों से पढ़ाई नहीं हो रही तो बाहर जाओ ना, हमें तो परेशान मत करो। Hey, you! Leave the library. जी मैं? नहीं मैं। अच्छा मैं समझा मैं। ये जो मेरे सर के बाल कम हुए हैं ना, just because of you. Thank you. निकल जाए बाहर। चल। रोमियो तुम मुझे पढ़ा दो ना, तुम्हें मैं अपना लिप्स दिखाऊं, तुम्हारे ऐसे लिप्स हो जाए ना तो तुमसे भी ना पढ़ा जाए। बुक खोलो, किताबें खोलो। ए यू आल्सो लीव द लाइब्रेरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कभी बुक से भी पढ़ लिया कर। पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है, रात को नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। इम्तिहान की बहुत टेंशन हो गई है यार मुझे, एलिफेंट। उसको इम्तिहान की टेंशन नहीं कहते, मोहब्बत कहते हैं। Shut up. मोहब्बत कहते हैं? ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? वो आ गई। चश्माटू, खून देने से क्या दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, जो लोग ऐसी हरकतें करना शुरू जाते हैं। छोटू
मेरे लिए मिल्कशेक लाना। छोटू मेरे लिए चाय। हम तो दूध पीने वाले मजदूर हैं, खून देने वाले मजदूर तो नहीं। अब तू देख मैं इसके साथ क्या करता हूँ। बेबी के चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो नहीं आ रहे। यार वो जाके देखना, वो क्या पड़ा हुआ सामने। वो देख यार वहां पे इतना कचरा पड़ा हुआ। इस तरह कैंटीन चलेगी क्या? हाँ इस तरह कैंटीन चलेगी? आज तो हीर का वाइवा है। तो मैं क्या करूं जब मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही? उसका वाइवा अच्छा क्यों? ओहो आराम से क्या हो गया? ये दो भूखे मेरी ने क्या मंगवाया और? अरे ये पागल ना पीने, बता 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 तुम उठा उधर देख उधर देख। तुम्हारे लिए मैं मंगाती हूँ बिल। चश्माटो दुआ करना आज दुश्मनों का वाइवा अच्छा हो। सुना है दुश्मनों की दुआएं बहुत लगती हैं। एलिफेंट सुना है आजकल बड़े मुजरे वाइवा दूध आ गए हैं भाई, अल्लाह बचाए। आय हाय लगता है बेचारे के दिमाग पर असर हो गया, कितनी फजूल सी बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पे बहुत मामी डैडी लोग बैठे हैं, सबको चक्कर बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। चलो आ जाओ। छोटू दो चाय लेकर आ जल्दी से। Are you ready? The question is, what are the qualities of successful manager? Here? Yes. Are you okay? Are you okay? What is happening here? Oh my God. Good morning, sir. Shut up! Heer! Heer? Heer? Heer, kya hua? Kya ho gaya? Heer! Heer, kya hua? Heer? Mar gayi kya? Chato! Mar gayi? Le. Oh my God, thank God. मैं कहाँ हूँ? जगह बना, जगह बना, जगह बना, जगह बना, जगह। Oh 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 oh. हीर से दुश्मनी का लग पता जाएगा अब तुझे। तूने मेरा चाचा बनने की कोशिश की ना, मैं तेरी टांग से तुझे नहीं मारूंगा। रोमियो 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 रोमियो।
जो कहानी तूने शुरू की है ना उसका क्लाइमेक्स तो हीरे करेगी। मेरा भाई बनी हो तो तेरा भी नहीं होगा। हाय अम्मा, इतना प्यारा लड़का, इतना हैंडसम, हीर के लिए नंबर वन। हाँ मैं आज हीर से बात करती हूँ और अगर हीर की रजामंदी हुई ना तो लड़के के माँ बाप को बुलाते। हाँ बाजी, उसकी गाड़ी बड़ी महंगी है। अरे बस बस, एक काम करो, नजर के पास जाओ वरना दोबारा शुरू हो जाएगा। आखिर मैं घर का दामाद हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं है। अभी आती है ना हीर, मैं इससे बात करती हूँ। बड़ा अच्छा लड़का हैंडसम भी है ना। अल्लो आ गई। रिक्शे में जूते नहीं पहनती क्या? हमेशा एक जूता घुमा के आ जाती हो। देख लूंगी मैं उसे, तीर की तरह उसे सीधा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी हीर नहीं है। अच्छा सुन, बात तो सुन, बैठ बैठ, मेरी बात सुन। अरे अरे बैठ ना। क्या हो गया बाजी? अरे तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ यूनिवर्सिटी में लड़का पसंद आ गया तुझे, बताया भी नहीं तुमने मुझे। वैसे बड़ा हैंडसम है, तस्वीर देखी मैंने उसकी, रोमियो नाम है ना उसका। नाम ना लेना उसका मेरे सामने। अरे हाय क्या हो गया तुझे? उसने मेरा वाइवा खराब किया है, मैं उसका मुस्तकबिल खराब कर दूंगी। तुम्हारा मतलब तू शादी की बात कर रही है? अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा तो मैंने आज तक नजर पर भी नहीं किया। जान से मार डालूंगी मैं उसे। मार तो डाल ही दिया होगा तूने अब तक उसे। वैसे कभी कभार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं नजर को मार ही डालूं, लेकिन क्या करूं, जहां प्यार होता है वहां लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते। ऐसी कोई बात नहीं हमारे दरमियान, पता नहीं क्या बोले जा रही हैं आप। अम्मी खाना दे दे। अरे तो फिर कैसी बात है? वैसे पता है मुझे भी लगता था कि मेरे और नजर के बीच में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती। है छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, उसने जंग शुरू की है ना मैं कुश्तों के पुश्ते लगा दूंगी। खबरदार जो तुमने कुश्तों की बातें की। हाँ हीर है, हीर ही रहे, हकीम ना बन ज्यादा। और खबरदार खबरदार उसका इस घर में किसी ने नाम लिया है तो। कल इतनी अच्छी तैयारी की थी मैंने वाइवा की सोने की वाह क्या जोक है, आज तो बबल भी जोक कर रही है भाई, वाह वाह। और सुनाओ सुनाओ ना, आज रोमियो का वाइवा है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा जोक है। अब तुम देखना हीर कैसे इनका जवाब अब चश्माट उसे देती है। क्या मतलब? तू मेरा बदला लेगा रोमियो से। हीर ना करना कुछ भी। ओ आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं आप दोनों की लव स्टोरी तो नहीं चल पड़ी है? मैं तो ऐसे कह रही थी, आगे उसका खून दिलवा दिया। हाँ तो नेकी का काम किया है, किसी को खून देना कोई बुरी बात है क्या? पॉइंट। उसने मेरा वाइवा खराब किया, सीधा सीधा एजुकेशन सिस्टम से पंगा लिया उसने, तो मैं भी सिस्टम के अंदर रह के कुछ करूंगी, सब बाहर नहीं आऊंगी। हीर अब लड़ाई खत्म करो। हाँ तो करते ना खत्म, चलो कैंटीन चलो। देखो खाली पेट खाली दिमाग और खाली जेब कुछ नहीं होता, सिर्फ बंदा खत्म होता है। चलो कैसे कहूँ इश्क मैं तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क मैं तेरे कितना हूँ बेताब मैं। आज तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ। आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। ये क्यों रो
कैसे कहूं इश्क मैं तेरे कितना छोटू चार चाय ला। चार चाय? हाँ। दो दूध पत्ती पीती हो, दो और चाय किस लिए? एक मेरे लिए और एक रोमियो के लिए। क्या मेरा मतलब है क्या ये हीर क्या कह रही है? जो तुमने सुना छोटू चाय ले भी आओ। हेलो मामा। हेलो हेलो मामा आवाज आ रही है? मामा मैं बाहर जाता हूँ। हेलो हेलो क्या किया? क्या किया? ठंडी चाय की जगह गर्म चाय रख दी। तुम नहीं तो कहते लड़ाई खत्म करो। थैंक यू भाई थैंक यू। रोमियो सुना है आज तुम्हारा वायवा है? दुश्मनों की दुआएं नहीं लोगे? दुश्मनों की तो दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती है ना। हीर वो क्या है ना, मैं अपने दुश्मन भी अपने स्टैंडर्ड के रखता हूँ। तुम्हारा कोई चांस नहीं है मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आने का। हाय आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। वैसे सुना है कि आजकल ना बड़ी मुजरे वायवा चाय आ गई है, अल्लाह ही बचाए। क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया क्या? जी क्या मैंने आपसे पूछा था? तो फिर आपके पूछे हैं, आपका पूछना बिल्कुल नहीं बनता। ऐसे ही वायवा से पहले है ना डरा रही है, कुछ नहीं कर सकती। सुना तो बुआ रही है। छोटू इसको सूंघ ना, इसमें कोई बदबू आ रही है कोई? अरे सही से सूंघो ना। नहीं है ना इसमें कुछ। कुछ है क्या? जाओ What are you personal value? What are you personal value? Your personal values are a central part of who you are and who you want to be. Sir. Sir. Sir, washroom. Go. Hurry up. Okay. Don't waste your time. Go ahead. Sir. Sir, who am I? What are you personal value? Washroom. Sir, what? Sir, ek minute, main washroom se aaya. You don't know what is my question? Washroom. Sir, washroom, sir. Washroom. Oh my God.
क्या हो रहा है यहां क्यों जमा हो? ए ऊपर देखो सर, वो मेल्स टॉयलेट बंद था। अच्छा, तुम वाइवा छोड़कर बार बार यहां आ रहे थे? नहीं सर। चलो यही वाइवा ले लेते हैं। ओके, व्हाट इज माय क्वेश्चन? Show me on.